पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और गाजीपुर के पूर्व सांसद मनोज सिन्हा ने सक्रिय राजनीति में एक लंबी छलांग लगाई है। मनोज सिन्हा धारा 370 हटाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने बुधवार की शाम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति ने गुरुवार को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही नए उपराज्यपाल के तौर पर मनोज सिन्हा की नियुक्ति का ऐलान भी राष्ट्रपति भवन की तरफ से कर दिया गया है। माना जा रहा है कि धारा 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर ये एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया है। मनोज सिन्हा को टीम मोदी शाह का एक भरोसेमंद चेहरा समझा जाता है। जीसी मुर्मू एक प्रशासनिक अधिकारी थे, जबकि मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक अखाड़े के मंझे हुए पहलवान हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मनोज सिन्हा के पास दो दो अहम मंत्रालयों का प्रभार था। वो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री के साथ केंद्रीय संचार राज्य मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी संभाल रहे थे। हालांकि 2019 के चुनाव में गाजीपुर में सपा बसपा ने गठबंधन से उम्मीदवार खड़े कर दिए। जाति की राजनीति के आगे मनोज सिन्हा का खुद के विकास कार्यों को आधार पर किया गया कैंपेन सफल नहीं हो पाया। हालांकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मनोज सिन्हा ने गाजीपुर के लिए कई बड़े काम किए। देश के सभी महानगरों तक जाने के लिए कई ट्रेनें चलवाई तो मेडिकल कॉलेज समेत तमाम सौगातें गाजीपुर को दिलाई। अब गाजीपुर के लोग बेसब्री से अपने प्रिय नेता को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नई भूमिका में देखने को आतुर हैं। ऐसे ही और भी हमारी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।